डॉक्टर का गिल बा आगे का दिस बा तू लोग ट्रक के घेरे की कोशिश करा। यस सर। भाईजान हमनी के नेपाल बॉर्डर पार करके बिहार में आ गई बानी जा, लेकिन सामने एगो पुलिस वाला रोड पर गाड़ी खड़ा करके रास्ता रोक ले बा। ऊपर पहुंचा दे सरवा के। सर ट्रक आपकी तरफ जा रहा है बा। संभालिए अपने आप को सर। जगलर के चिंता छोड़ा लो। कमांड मूव। तू लोग अपने आप के संभाला। पैर में हमारी जान निकल के रही। कानून के टक्कर मारा था रसान। Come on, move, चलो। सारे जगलर के गाड़ी तो उड़ा देला लो। अब हमारा के थाने तू लोग पहुंचे बा, आगे तो अन्य लोग के ऊपर पहुंचाई। अरे नहीं सर, हम पहुंचाई। अरे गजोधर, अरे भैया थाने ले लिया। आगे हमारा कुंडली के नागिन दोष। किरण ट्रक के तलाशी लो। सर एमी तो हथियार बा। तोहरा का लगा था हम टमाटर के ट्रक पकड़ के लिए बनी। चला ट्रक और एकरा के अंदर करा। ले जा सारे कीला हथियार लेके जाई। ड्यूटी के टाइम खत्म और अब जगलर के एंटरटेनमेंट के टाइम शुरू। एसपी साहब हमके मालूम बा आप कहां जाता नहीं। तू लप 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 लच के लू कुछ खास दीवाना खातिर दिल के दरवाजा खोले लू। पिंटुआ से प्यार बा डबलुआ के दुकार बा। ए रानी भले तड़पा लो तरसा लो जान ना बाजी काहे से कि ई आशिक गुलफार बा। हॉट हॉट कोयला के जैसा भइल हमर जवानी। अरे बाप रे बाप। अधहन के जस खौले बेसी गर्मी चढ़ल बा त ठंडा पके छोड़ दे। कमर हिला के पिट पे रात के टोपी तोड़ दे। बेसी गर्मी चढ़ल बा त ठंडा पके छोड़ दे। कमर हिला के पिट पे रात के टोपी तोड़ दे। जे नाची जे पे नाची 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 baby she body boss in the body bar blast in the ball biddy biddy ball blast in the ball back biddy biddy ball blast in the ball come on baby loot la lahar subah ho ke sham chahe ho ke dopahar ah ah oh baby ah ah oh baby baru ilaka ke famous nachaniya kaun bihari utar li na duniya you baby har
बाची बाची जयंत। संभाली चली ना डीजे पे नाचियो का माई के। का सर, शहर के एसपी और ऐसी जगह जाके वो गंदी लड़की की डांस देख ली, दारू पिया ली, कुछ तो अपन वर्दी के ख्याल रखी। सर आप बिना सर आई अरे अच्छा हाँ, इंस्पेक्टर किरण सिंह जी, हमरा के अपना वर्दी के तजर्बा ऐसे हम वहाँ वर्दी पहन के ना गेल रही, रंगीन जगह पे रंगीला ड्रेस ओके बाय। तो अगर तो पता हम थोड़ा जगलर टाइप के एसपी हैं। बाय गुड नाइट जरा डीजे पे नाचियो का माई। उदिन कब आई एसपी साहब? जब हमार जगह यहाँ ना घर के अंदर हुई। Nah, coming, sir. Coming. Okay. SP Arjun Singh reporting, sir. Netaji, dekhi. Dekhi apna desh ki halat dekhi. हाँ जी, खादी वाला खाकी वालन के गुलाम बना ले ले आपके भी उम्मीद ना रह रही। जब आप वाईसीएस के नौकरी के रात मार के और खाकी पहन के अंग्रेजन के नाक में दम कर दे ले ले आपके भी उम्मीद ना रह रही। लेकिन आपके इस सिपाही अर्जुन सिंह
खादी के चाकरी ना करी ना करी, बल्कि खादी के अंदर छुपल काला चेहरा के पूरा दुनिया के सामने नंगा करी। आपके सिपाही खाकी के लाज रखे। गुड नाइट नेताजी, गुड नाइट बोलो, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ई रहल आपके नाश्ता। अरे वाह, हमके तो लागल कि आज तू ना लिए बू। कहीं अगरा में जहिन सर भिंडी तो नहीं खे? नहीं सर, हमके पता बा आपकी भिंडी पसंद नहीं खे। आज तो आपकी खास पसंद की। जहिन सर, जितने जल्दी हो सके ऑफिस में आकर मिलो। सरवा करू, एकरा के हम फोन पे नहीं खिझेल पावत, एकर मेहरारू कैसे के झेलत हुई? अच्छा किरण, हम कहाँ रही? आईजी साहब की मेहरारू के पास। अरे उनका के छोड़ा, अच्छा भइल कि हम भी आना के नहीं। हम तो कहब कि आपकी शादी कर लेवे के चाहिए। किरण जाना तारू, सच्चाई ही है कि आज तक अगर हम ब्याह ना के नहीं तो तोरा वजह से। सच सच, तू हमारे इतना ध्यान जोन रखे लो। उतो हम भैया की अच्छा, बात भी छोड़ा, फटाफट चला आईजी साहब से मिले जाएगी बा। Please sit down. Thank you, sir. Yes, sir. कहिए। हम चाहते हैं कि तुम आज सलीमपुर जाओ। सलीमपुर को तुम्हारी जरूरत है। आज हम तुम्हें एक ऐसा केस सौंप रहे हैं जो पुलिस विभाग के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। समझा नहीं सर। ये तो मेरी फोटो है सर। नहीं, यह तुम्हारा हम सकल डीएसपी अभिमन्यु का फोटो है जिसका मर्डर जोगिया पठान ने किया है। सर, जब आपको सब कुछ पता है तो काहे नहीं उसको? अर्जुन, मालूम होने और सबूत होने में फर्क होता है। जोगिया पठान को सबूत के साथ अरेस्ट करना, ये समझ लो अपने ही कातिल को अरेस्ट करना है। सर, मैं जोगिया पठान के बारे में कुछ नहीं जानता। जोगिया पठान सलेमपुर को अपनी जागीर समझता है, उसकी इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं खड़कता। अभिमन्यु एक बहुत बहादुर पुलिस ऑफिसर था, मगर जोगिया ने अपनी चाल चलकर उसकी हत्या कर दी। जोगिया पठान आतंक का वह चेहरा है जिसे अपना खूनी साम्राज्य खादी के अंदर छुपा रखा है। हमें मालूम है कि सरकारी खदान से जो अवैध खनन का कारोबार कर रहे हो उसका असली मालिक जोगिया पठान है। जोगिया के बारे में और उसके अवैध धंधों के बारे में हमें सब कुछ बता दो, हम तुम्हें सरकारी गवाह। ए, तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? चुप! कारे, ते सब यहां का करता रे? चला उठा उठा और अपन अपन काम पे लग जाओ। चला निकला, काम करा, चला। अब बोला सीबीआई के बड़ा लोग साहब, का जानल चाहता रहा? ये सब गैर कानूनी है जोगिया। अब हम यहां पे तोसे कानून की परिभाषा नहीं के पूछे आइल बानी। तोनी जोन कुछ भी जानल चाहता रहा,
वो हमसे पूछा, हमसे चला छोड़ा, हम ही बता देता नहीं। ये सलीमपुर हमार है, हमार जोगिया पठान के। यहाँ इंसान तो छोड़ा, जानवर भी हमारी मर्जी के बगैर एक कदम ना चलेला। जे एक कदम भी उठावेला वो दुनिया से उठ जाला। अवैध खनन के अलावा भी हमार कई धंधा बा, जौन त्योहार कानून के हिसाब से अवैध बा। लेकिन अफसोस इस सलीमपुर में हमार कानून चलेला, हमार। बोल दारोगा, का करिल जाए इन महान अस्तियन का? छोड़ दे जोगिया भैया, ई लोगन के आपके बारे में ज्यादा मालूम नहीं हुई। आज इन लोगन के जोगिया पठान के बारे में पूरा मालूम पड़ जाए, पूरा। साइड पे लागल बोर्ड पड़ा रहे सीबीआई के ऑफिसर साहब, हमने के माफ कर दी। यहां से जोगिया पठान की सीमा प्रारंभ होता, गलती से भी हमार सीमा के अंदर घुसे के कोशिश कही ले ते कर सजा ऐसे भी भयानक होई, नंगा करके भगाई। चल भग मादर भगत। यह है सलेमपुर की हालत और जोगिया का आतंक। सर, डिपार्टमेंट के ऑर्डर पे कहीं भी जाना मेरी मजबूरी है, लेकिन सलेमपुर मैं बहुत खुशी खुशी जाऊंगा, क्योंकि जो भेड़िए अपने आप को खादी पहनकर सेफ समझने लगते हैं उनकी खादी फाड़ के नंगा करना मेरा पुराना शौक है। गुड, जय हिंद सर। सामने देख के गाड़ी चलाओ। मार सलीमपुर, जोगिया पठान के सलीमपुर, पहले अंग्रेजन के गुलामी, अब हमारी गुलामी। पाकिस्तान में बैठे हमारे आका आज बहुत खुश होंगे कि हमने सलीमपुर को मिनी पाकिस्तान बना दिया, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये सिलसिला आगे बढ़ाकर हिंदुस्तान में कई मिनी पाकिस्तान बना देंगे, जिससे पाकिस्तान में बैठे आकाओं की नजरों में मेरा ओहदा बढ़ जाएगा, और यहां पर हमारी हुकूमत। सलीमपुर, जोगिया पठान का मिनी पाकिस्तान। देखा है, मैं हम कुछ ना कर पाए, एक काम करो, पीछे वाला रास्ता से तू मार डालिए।
बकवा, बहुत बड़ा पत्रकार बने चाहत बड़ा और डीएसपी अभिमन्यु के समय बहुत छापत रहे हमार मालिक जोगिया पठान के खिलाफ। अभिमन्यु के तह जोगिया भैया ऊपर पहुंचा दे ले। हमके माफ कर दे भाई। अब तोहर यहाँ का जरूरत बा? हम पत्रकारिता छोड़ के चल जाए। पत्रकारिता ना ये दुनिया, अब तो के हम अभिमन्यु के पास पहुँचा देता नहीं। और घुसा अभिमन्यु। मालिक के बच्चा, मालिक मालिक का रटता रे का भाई दीपक के पहुंचा दे लेना ओकरे अभिमन्यु के पास। नहीं मालिक, वो वापस आ गेल बा। के वापस आ गेल? अभिमन्यु का तोहार दिमाग ठिकाने बाकी ना? ओकरा जिंदा देख के कर दिमाग ठिकाना पर रही मालिक। असंभव असंभव, यही हाथ से हम ओकरा के यमराज के पास भेज ले रही और हम हूं अपन ही है आग से ओकरा देख के आवता नहीं। ए बेकूफ, एक बार आदमी कब्र से वापस आ सकेला, लेकिन चिता में जलकर राख भइला के बाद ना। रहुआ के हमरा पे भरोसा नहीं है ना मालिक, तो पूछ ली हमर सचिन से। हाँ मालिक, हाँ मालिक, हाँ मालिक। अभिमन्यु की वापसी, अभिमन्यु नए रूप में, चमत्कार। कब से बिना आत्मा के ही शरीर के बोझ ढोत रहनी, इतना दिन हो गए तो के हमारी याद ना आई। हाथी घोड़ा ना चाहिए, महंगा छोड़ा ना चाहिए, बैंक बैलेंस ना चाहिए, महल पैलेस ना चाहिए। हाथी घोड़ा ना चाहिए, महंगा छोड़ा ना चाहिए, बैंक बैलेंस ना चाहिए, महल पैलेस ना चाहिए। बोला ये जान कैसे बाजी बैंड बाजा, बोला ये जान कैसे बाजी बैंड बाजा। लकटो चिखा के पटाल ए राजा, लकटो चिखा के पटाल ए राजा, लकटो चिखा के पटाल ए राजा, लकटो चिखा के। सबर के फल मीठ होला वेट तनी करा, सबर के फल मीठ होला वेट तनी करा। ना 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 ना
जनी धारा लेट जनी कारा सबर के फल मीठ होला बेट तनी करा सबर के फल मीठ होला बेट तनी करा सोना चानी ना चाहे हीरा मोती ना चाहे इतर से ना चाहे सर्वेंट ना चाहे काहे हमरा दिलवा के देत बाड़ू सजा बाबूजी हाँ बहू बाबूजी ये देखी उहा गइल बाड़न हम कहत रहनी ना वो जल्दी आई है बेटी हमर बात तो सुना सब सुनब लेकिन पहले उनसे मिल तो ले ही बेटी हमर दामिनी बहुत सतावला है ना आप आवतानी आपकी खबर लेवे दामनी बाबूजी आप इनके संभाली हम उनके लेके आवतानी पति के मरला के बाद खुद के सुहागन माना दिया ये बेचारी के कब एहसास हुई कि एकर पति दुनिया में ना हा चला जाई अपन पगली बहू के बुला के ले आई ओकरा के माफ कर दी तिवारी जी सर हम थोड़ा अलग टाइप के एसपी हैं समझा कि बहुत अलग टाइप के थोड़ा जगलर टाइप के दामनी का छुपा उधर ना कुछ ना दिखाओ हमके ना हम ना दिखाए रुका हम कदा नहीं रुका तो के हमार गिरिया तो के मुझ इतना पसंद बा तो ये फोटो पे बनावे की का जरूरत रहे हमसे कह तू हम बढ़ा लेती अरे तो घर के खेती है सच में मुझ बड़ा के आ गई लन इतना दिन से एक एक पल एक एक घड़ी गिन गिन के आपके अघोरत रहनी न दिन के दिन देख ली न रात के रात और आप हैं के घर ना आके सीधा ऑफिस उधर का दिक्कत आनी ये हमरे और आपके बीच की बात है और तो और आपकी वापस आवे की खबर हमके अखबार से मिला था इतना जरूरी आपके खातिर ड्यूटी बन गई बा
हमारे प्रति आपके कोनो जिम्मेदारी नहीं के? देखिए हम देखब तो हम आप घरे तो चली दामनी दामनी लेकिन बाबूजी लेकिन लेकिन कुछ ना तू घर चला हम बात करता नहीं चला पा जाता नहीं मूछ बड़ा के अपने आप के दबंग के सलमान खान समझे लगनी अर्जुन बाबू हमरा के माफ कर दी दरअसल वो आपके अभिमन्यु समझ के इतना कुछ बोल के अभिमन्यु के मरला के बाद ओकर मानसिक संतुलन बिगड़ गया हम ओकर तरफ से माफी मांगता नहीं माफी मांगता नहीं कौन बात ना खुद के का समझत पा रहे हो उनके खातिर हमरे प्यार हमरी भावना की कोनो कदर नहीं के देखनी बाबूजी आप हम कितना प्यार करी ले लेकिन उनका कोनो चिंता ही नहीं के बिना हम के बतावले यहाँ सीधा ऑफिस घर आवे की चाहिए ना हाँ ना बाबूजी आवे दी उनके फिर हम बताएं शैतान चुकिया पठान सिर्फ अभिमन्यु के हत्या नहीं के कहले ये बेचारी मासूम के पागल बना के छोड़ दे ले बा तिवारी जी सर ये अभिमन्यु की वाइफ रह ली है ना हाँ साहब सब कुदरत के खेल है साहब जब अभिमन्यु साहब जिंदा रहलन तब वो उनके साथ साथ हम सब के भी बहुत ख्याल रखत रह लिया बाकी अभिमन्यु साहब के गुजर जाए के बाद इनकर दिमाग पर ऐसा शौक लागल कि आज भी ई अभिमन्यु साहब के जिंदा ही समझता रही ई अजीब संजोग बा कि आपके सकल हू बहु उनसे मिलेला ये तो आप पत्रकार दीपक के मामला में देखिए लेनी कि सब लोग आपके अभिमन्यु ही समझता रहे बस ई बेचारी भी आपके अपन पति समझ के यहाँ आ गई ली तिवारी जी सर अभिमन्यु के बारे में हमके सब मालूम करे के बा साहब अभिमन्यु साहब बहुत बहादुर ईमानदार और बहुत कड़क ऑफिसर रहलन है यहाँ आइले से पहले जब यहाँ अपराध के सीमा चरम पर रहे तब आम इंसान से लेकर पुलिस वाला तक जोगिया पठान के दहशत में जिए पर मजबूर रहे
काहे बैठल बड़ा जा आई का अरे आजा रानी आजा ना कूल बुझाता नहीं गया भैया। बोल भवर, काम हो गई? ओ भोला यादव, ससुरा बीच में दीवार बन के खड़ा हो गई बा। ओ मादर भगत। एक मिनट होल्ड करा, ये पुलिस वालन का का भइल? का भइल असलम? कौन तूफान आ गइल बा का जे सारा पुलिस स्टेशन उखड़ कर यहाँ आ गइल बारे? आइल नहीं खे आवे वाला बाजोगिया भैया। कौन? वो डीएसपी अभिमन्यु। मतलब? वो बहुत डेंजर बा, वो बहुत ईमानदार और बहुत कड़क ऑफिसर बा। बावर, वो भोला यादव नाम के आदमी के दीवार गिरा दे। ठीक है भैया। जोगिया अपने रास्ते में एक पत्थर बर्दाश्त न कर सकेला। दीवार तो बहुत बड़ा चीज है, लेकिन जोगिया भैया वो डीएसपी जोगिया पठान के सलीमपुर में वो डीएसपी अभिमन्यु का स्वागत शांति से ना धमाका से हुई। बंद करो। ए ऑफिसर, देखे है इस रे, तोहरा शायद पता नहीं के कि हम केकर आदमी हैं, हमरा ऊपर केकर हाथ बा। पिछला आधा घंटा से तोरा ऊपर नीचे आगे पीछे जितना हाथ पड़ल वो सब डीएसपी अभिमन्यु दीक्षित के रहे। जोगिया पठान के खास आदमी हैं भंवर सिंह, सलेमपुर के मालिक, हिया के भगवान। जोगिया पठान के एक बार पता लगे के देर बा फिर देखिए। ताला खोल, एक करियो ख्वाहिश पूरा कर देता नहीं।
एगो खजवटिया कुकुर शेर के धमकी दे, ई हमरा पसंद नहीं के। चल अपना डाबरमैन के नंबर बता। डाबरमैन तोर नजायज बाप चोगिया पठान। 9431043253। हेलो, के बोला था? डीएसपी अभिमन्यु दीक्षित बोला था। नहीं, ग्वाला बस्ती से वो पागल कुकुर के पकड़ ले बानी और वो भोकत भोकत तोर नाम लेते रहे। ले उकरा से बात कर। जोगिया भाई, हम भंवर सिंह भोला यादव के मारे आयल रहनी। बिचवा मी डीएसपी आके हमरा हवालात में बंद कर देलस। फोन दे ओकरा। हाँ बोल जोगिया। लागत है पागल कुकुर के मालिक ते ही बड़े। हम ओकरे ना, पूरे सलीमपुर के मालिक है। चल छोड़ दे ओके। छोड़, हम तोहार पहला गलती समझ के माफ कर दे। और अगर हमके माफी ना चाहिए तब? अंजाम बहुत बुरा हुई। मंजूर बा, अब हम तोरा आदमी के खातिरदारी करे जाते नहीं। ओकर चीख सुन लाइव। महान वैज्ञानिक ग्राहम बेल जब ही फोन बनैले हुई हैं तो उनको के पता ना रहलो कि एगो कुत्ता के चीख ओकर मालिक दूर बैठल सुनी। बैठ जाओ। थैंक यू सर। कसाब, वकील के कही के भंवर को बाहर निकलवा ले। आज से पहले यहां जौन होत रहे, जैसे होत रहे, ओकरा से हमके कोनो मतलब नहीं के। बस हम इतना चाहब कि आज के बाद यहां हर पुलिस वाला आपन फर्ज पूरी ईमानदारी से निभावे। कहे कि बहुत बड़ा सच है, एक कड़वा सच। बिना पुलिस के मिली भगत के कोनो अपराधी इतना बड़ा ना बन सकेला जितना बड़ा जोगिया पठान बन चुकल बा। काल के जाके यदि हमके पता चलल कि कौनो पुलिस वाला कौनो अपराधी के साथ दे रहल बा तो ओकर हाल हम भंवर सिंह से भी ज्यादा बुरा करब। तोनी लोग के तो भंवर सिंह जैसन लोगन से शिक्षा लेवे के चाहिए। ओकनी के अपना मालिक के प्रति ईमानदार रह लें और वर्दी वाला अपने वर्दी के प्रति, अपने फर्ज के प्रति ईमानदार ना रह लें। जोगिया पठान के फुल डिटेल चाहिए हमके जल्दी से जल्दी। और हां एक बात और, ईमानदार पुलिस वालन के हम बहुत बड़ा दोस्त हैं और गद्दारन के उतने बड़ा दुश्मन। सर, यहां आते ही आपने भोला यादव और भंवर सिंह को अरेस्ट करके तो साबित कर दिया कि आप साहसी और निडर हैं, लेकिन सलेमपुर को आतंक के चुंगल से बचा पाएंगे क्या आप? काना मतवार। दीपक सर। दीपक बाबू, सलेमपुर में आतंक बा कहां और केकर आतंक बा? वो हमारा मतलब दीपक बाबू, जब तोरा जैसन पत्रकार लोग जोगिया पठान के नाम लेवे से हिचकिचाता तो आम आदमी के का हाल हुई। लेकिन चिंता मत करा, अभिमन्यु आ गई बा। सबसे पहले तू लोग के मन से जोगिया पठान के डर खत्म करब, ओकरा बाद जोगिया पठान के। ओ, 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 ओ.
अफराद बाट सर्वा लागता हमके डीएसपी अभिमन्यु दीक्षित से मिली के परी। सबसे पहले सलेमपुर में होखे वाला हर दो नंबर के धंधा बंद करे के पड़ी। आवाज हो गया पठान, हमरा पता रहे तू यहां जरूर आई बा, लेकिन इतना जल्दी आई बा ये उम्मीद ना रहे। जोगिया हमेशा वह करेला जेकर कोई उम्मीद ना करेला। यहां आवे के वजह बाद में बताई, पहले ये बतावा ये प्रदेश के मंत्री तो से मिले के आइल बा, ओकर प्रोटोकॉल पता बा, ओकर स्वागत? स्वागत मंत्री के होला, अपराधी के ना। अपराधी के स्वागत हवालात में होला। जोगिया से टकराए का सपना बहुत से डीएसपी एसपी देख ले लोग, अंजाम या तो टूट गई या फिर हमरे डोडी पर हमरे सामने हमार हड्डी खाकर दुम हिलावे लागल लोग। हमार नाम अभिमन्यु है, कोनो पढ़ल लिखल आदमी से हमरा नाम की स्पेलिंग पूछ के ठीक से याद कर लिया। ना हम तोहरे आगे झुके वाला बानी और ना ही तोहरे आगे दुम हिलावे वाला। सलेमपुर से तोहार आतंक खत्म करे आइल बानी हम। जोगिया कोनो चौराहा छाप गुंडा ना हा, ये सलीमपुर का राजा है, राजा। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री के कुर्सी के एक पाया हमरे समर्थन पर टिकल बात बुझला। अपने वर्दी पर इतना घमंड ना करा, ये वर्दी तोहार कफन ना बन जाए। मौत के धमकी ऊ देला जे सामने वाला से डरा जाला। तू चिंता मत करा, 24 घंटा हम तो के हवालात में डाल के रहा। हमके तो चैलेंज मंजूर बा अभिमन्यु, लेकिन एक बात सुन लो, अगर तू हमके 24 घंटा में गिरफ्तार ना कर पाओ तो तोहार मौत हमरे हाथ से निश्चित बा। और अगर गिरफ्तार कर लेनी तब तो के जोगिया पठान के गिरफ्तारी के सजा मिली, सजाए मौत। जय हिंद सर। ये सब क्या है अभिमन्यु? भंवर सिंह और भोला तक तो ठीक था, लेकिन मीडिया में जोगिया पठान के खिलाफ स्टेटमेंट, इसका क्या मतलब है? आंख बंद कैला से सच्चाई तो ना बदल जाए सर, वैसे हम कुछ और काम से आयल बनी। बोलो। जोगिया पठान के खिलाफ वारंट चाहिए। व्हाट? फिर से जोगिया पठान? जोगिया पठान कोई मामूली हस्ती नहीं है, और वो भी बिना कोई बेस के? बेस बा सर, वो हमारा ऑफिस में आके हमके जान से मारे की धमकी दे ले बा। ये प्रूफ नहीं कर सकते तुम, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। देखो अभिमन्यु, ये बचकाना हरकत छोड़ो और। सॉरी सर, हमके वारंट मिली या ना? नॉट पॉसिबल। ओके सर, वारंट तो हम लेके रहो, आपसे ना तो कोर्ट से। थैंक यू सर, जय हिंद। क्या बात हो? आज उदास लागता नी? दामिनी, कबो कबो लागेला कि वर्दी हमरा खातिर जंजीर बन गेल बा और हम एकरा में जकड़ के रह गेल बानी। रउआ ई वर्दी की जंजीर ना अपन ताकत समझी। कैसे समझी? कैसे ताकत समझी? जब एगो पुलिस वाला एगो पुलिस वाला की मदद नहीं करत, एसपी साहब जोगिया पठान के खिलाफ वारंट देवे से साफ मना कर देने। बेटा, आदमी के कभी कभी लगेला कि असत्य के जीत हो रहल बा, लेकिन जीत
हमेशा अंत में सत्य के ही होला। खुश रह बाबूजी। लेकिन अकेले क्यों का कर सकेला? अरे शुरुआत आदमी अकेले ही करेला, और जब जनता के लगेला कि ई आदमी हमरा खातिर लड़ाई कर रहल बा, तो सारा जनता ओकरा पीछे खड़ा हो जाला। जैसे महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के पीछे पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो गेल रहे। अरे जब अंग्रेजन के जुर्म हिंदुस्तानी बर्दाश्त ना कर पैलन, तई जोगिया पठान का चीज है। यस सर। अभिमन्यु, हमने बहुत सोचा, हमें लगता है कि तुम्हें जोगिया पठान के खिलाफ अरेस्ट वारंट दे देना चाहिए। थैंक यू सर। कल सुबह आकर वारंट लेके जाना, लेकिन जो भी करो सावधानी से करना। डोंट वरी सर, थैंक यू सो मच। बाबूजी। हाँ। एसपी साहब जोगिया पठान के खिलाफ वारंट देवे के तैयार हो गए। हम कहले रही ना, सत्य के हमेशा जीत होला। जी बाबूजी। बाहू तू खाना लगाओ। अब बेटा तू हाथ पैर धोला, हमनी के साथे खाना खाइल जाए। जी बाबूजी। रउआ सुनी, फिर आप अपनी ड्यूटी में बिजी हो जाए, लेकिन इतना याद रखी कल करवा चौथ जल्दी आ जाए। तू चिंता मत कर, कल करवा चौथ के डबल खुशी मनावल जाए जोगिया के गिरफ्तारी के साथ। जय हिंद सर। आओ अभिमन्यु, हमने बहुत सोचा, तब लगा कि तुम सही हो। अगर आज एक वर्दी वाला दूसरे वर्दी वाले का साथ नहीं देगा तो कब देगा? ये रहा जोगिया पठान के खिलाफ अरेस्ट वारंट। थैंक यू सर। जय हिंद। स्वागतम डीएसपी अभिमन्यु, स्वागतम। माने के पड़ी अभिमन्यु, तौर जैसन जिद्दी पुलिस वाला हम अपने लाइफ में ना देखनी। जिद्दी ना, अपना फर्ज के प्रति ईमानदार। देखला 24 घंटा के अंदर तोरा सामने खड़ा बनी। अफसोस डीएसपी, तो के अपन चैलेंज तो याद बा, पर जोगिया पठान की धमकी ना। सब याद बा, लेकिन पहले जेल से बाहर निकल बा तब ना। जोगिया जब चाही जेल के दरवाजा अपने आप खुल जाई। फिलहाल अंदर चले के तैयारी करा, बाद में दरवाजा खोल के दिखाइया। अब भेजिए, आराम कर, खास ध्यान रखा लोगे कर। जी सर। एक आम अपराधी की तरह। जी।
जोगिया अपने धमकी के प्रति पूरी तरह से वफादार है डीएसपी अभिमन्यु। अब मिले तोके हमरा गिरफ्तार करे के सजा। सजाए सर। यह अभिमन्यु साहब के कहानी, एक बहादुर पुलिस ऑफिसर के ये भ्रष्ट तंत्र से लड़ाई में शहीद होए के कहानी। तिवारी, अभिमन्यु में जोश रहे, ताकत रहे, हिम्मत रहे, लेकिन कमीना दिमाग ना रहे। यही से जोगिया पठान जैसन कमीना से हार गई। लेकिन अर्जुन कमीना लोग खातिर महा कमीना। हमके पता बा जोगिया पठान जैसन नाक के फन कैसे कुचलल जाला। अभिमन्यु के अधूरा काम हम पूरा करब। हमरे कुंडली के नागिन दोस्त एक एका हो गए। हाँ बोल नागिन। हाँ मतलब किरण। ये आपके का हालत हो गई बैसफी साहब? चेहरा उतरल बा, हालत एकदम पंचर टायर के जैसन हो गई बा। का हम तो ठीक बानी। वो तो हम देखे तानी। अरे तू यहाँ? जय हिंद सर। डीआईजी के स्पेशल ऑर्डर से आपके ख्याल रखे खातिर यहाँ आइल बानी। अच्छा ठीक बा, चला। कहा सांप के व्हील में हाथ डाले। ओके अब हम क्या बोले? सलेमपुर की जनता जानती है कि हमेशा मैंने सलेमपुर की जनता की सेवा की है। कुछ लोग हमें अपराधी भी कहते हैं, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जो भी करता हूं, क्योंकि ये जो भी करते हैं उसका कोई सबूत मिलेगा नहीं, और बिना सबूत के जोगिया पठान जी का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। एएसपी, जो भी बोले के बा साफ साफ बोला। अरे हमार कहे के मतलब ये बात कि जोगिया पठान जैसन शांति प्रिय नेता के खिलाफ का सबूत मिली? हाँ, 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 हाँ। सर आज सलेमपुर में अपराधियों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या राय है? भोजपुरी में बोली तो चली। हाँ, हाँ, चली, हाँ, सर। चली। काहे कि हमके पिज्जा पसंद नहीं खे, लिट्टी चोखा वाला आदमी है हम। तो सलेमपुर में अपराध बा कहाँ? हाँ ना जोगिया जी। और जोन कुछ भी बा वो सब इनकरे कृपा से बा। हमार मतलब अमन और शांति के जोन माहौल बा। अब जोगिया पठान जी के महानता के आप लोग ऐसे ही देख लें, खुद पांचवी फेल हमें, लेकिन जनता के सेवा खातिर केंद्रीय विद्यालय खुलवा रहल बने। सर आज सलेमपुर पूरे प्रदेश में अपराधियों की वजह से जाना जाता है? गलत। सलेमपुर सिर्फ जोगिया पठान जी के वजह से जानल जाला है ना नेताजी? हाँ हाँ, कुछ घटना तो हर जगह होत रहेला। अब जैसे कुछ दिन पहले डीएसपी अभिमन्यु की हत्या उनके घर में घुस के हो गई, और अपराधी अभी तक बाहर घूम रहल बा। लेकिन हमके भरोसा बा कि हमारे रहते वो
ज्यादा दिन बाहर ना रही। सर, आपके आने से सलीमपुर की उम्मीदें काफी बढ़ गई है। अब अपराधियों की खैर नहीं, हम जानते हैं डीएसपी के कातिल जरूर पकड़े जाएंगे। मीडिया के माध्यम से हम बतावल चाहता नहीं कि डीएसपी अभिमन्यु के कातिल के जनता के बीच में लिया के पहले नंगा करके मारब, ओकरा बाद ओके गिरफ्तार करब। हाँ, हमके मालूम बा कातिल कानून के छेद के सहारा लेके बच रहल बा, लेकिन हम वही छेद में हाथ डाल के ओकर गर्दन मरोड़। लेकिन ये सब जोगिया पठान जी जैसन कर्मठ नेता जी के सहयोग के बिना कहाँ संभव बा। आज तक जनता के ऊपर सिर्फ जोगिया जी के हाथ रहे, आज से कानून के भी हाथ आप लोग के साथ बा। हमके उम्मीद बा कि जोगिया पठान जी के सहयोग मिली। बात कहिल तो बहुत आसान बा एसपी, फिर भी हमारा तरफ से तोरा और तोरा टीम के बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट एसपी। तिवारी जी साहब। इका साहब, ये पठान हाता है। असल में पहले ये जगह शहीद कलीम खान के स्मारक रहे। शहीद कलीम खान आजाद हिंद फौज के बहुत बहादुर सिपाही रहलन है। बताइए साहब, हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन इस शहर के लोग यहाँ तिरंगा फहरावत रहे, लेकिन बाद में जोगिया पठान इस जगह पर कब्जा कर लेलस। अब तो यहाँ तिरंगा फहरावल भी दूर, कोनो परिंदा भी घुस ना सकेला। बैठा लोग, हम तनी चेंज करके आओ तनी। जी सर। सलीमपुर सुधर गई बा। उ तो हा सर, में कुछ खास बात बा। वाकई में अभिमन्यु सर जैसन बड़न।
नहीं मालूम। हाँ हम बताइले रही ना कि हम थोड़ा जगलर टाइप के एसपी है। चलो उठाओ, तू मत पेल करिया। जी। चीयर्स। हाँ एक मिनट। वर्दी की इज्जत करा, वर्दी में कबू दारू मत पिया। कबू पिए के मन करे तो गेटअप चेंज, ठीक? तिवारी जाना तारा, जब से तू हमके अभिमन्यु की कहानी सुनैले बाड़ा, मन तो करेला कि जोगिया पठान के गर्दन पकड़ के मरोड़ दी। लेकिन हमार मकसद सिर्फ अभिमन्यु के हत्या के बदला लेवल ना, जोगिया पठान के आतंक खत्म करे के। आज तक खादी के दम पे वो खाकी के गुलाम बने ले रहे। लेकिन अब ऐसा ना होए, आवा लोग तू लोग के आज के उसे मिलवाओ दानी। किसे? पता नहीं जी। चा एक मिनट आओ लो, आओ 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 मिलवा दें। इनकरा के पहचाना तरल? हाँ सर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ना 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 ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ना, खाकी वाला नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सर एक बात पूछी? पूछा। सर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में से के बड़ा रहे? क्यों ना, दोनों जन बराबर है। काहे कि दोनों जन के मंजिल एक रहे, बस ओके हासिल करे के रास्ता अलग अलग रहे। फिर नेताजी के उतना महत्व तो काहे नहीं मिलल जितना गांधी जी के मिलेला? किरण, जौन तू सवाल कहलू अगर ओकर जवाब हम ठीक ठीक दे दी तो सगरे तूफान आ जाए। बस शॉर्टकट में इतने समझ ला कि आजादी के बाद नेता लोग सत्ता खातिर कुछ भी करे के तैयार हो गए। गांधी जी और खादी उनके वोट बैंक खातिर जरूरी रहे। बस एक बात याद रखे किरण, आज के बाद इस सवाल दोबारा ना उठे के चाहे, नहीं तो कहीं नशा में हमारे अंदर के सुभाष चंद्र बोस बाहर आ गए ले, तब बहुत बड़ बड़ लोग के धोती उतर जाए। जी सर। सर अभिमन्यु सर के बाद आप पहला आदमी बनी जिनके अंदर हम अलग टाइप के ताकत महसूस करें। नहीं अरे ताकत उनके से मिलेला जिनका से मिलवा नहीं है तू लोग। चलना है अब अंगारों पे, चट्टानों पे, तलवारों पे, हुंकार भरो, भयकांत करो, बज शंख नाद, संग्राम करो, तू देख रहे हो। हमेशा अपने अंदर यह एहसास बना के रखिया लोग कि तोहार काम बिगड़ैल खादी वालन के कंट्रोल करे के, उनकर गुलामी करे के ना। सर आप हमके खादी वाला नेताजी सुभाष चंद्र बोस लगत आनी। कल 15 अगस्त, कल से हुई जोगिया पठान के आतंक से सलेमपुर के आजादी की शुरुआत। जय हिंद। जय हिंद।
भी ई पठान आता है बिना परमिशन यहाँ केहू ना आ सकेला। चंगो ई पठान आता रहल हुई आज से यानी 15 अगस्त से ई आजाद होके शहीद कलीम खान हाता हो गई। तहनी के सब तैयार हो जा, जे हमरा के खून दे हम ओकरा के आजादी दे। भीमावा कैसा नाइलर तू लोग, कैसा बड़ा तू लोग, उठा सब लोग उठा। इतना सब कुछ हो गए मालिक और आप हम सबके बतावले भी नहीं। का हो गई, का हो गई मालिक? भगवान तोरा के तो सब मालूम बा, एक तो इतना दिन बाद वापस आइलन और वापस आइला के बाद भी आपन काम में इतना बिजी हो गेल बाड़न कि घर आइला के भी फुर्सत नहीं के अपना फर्ज के आगे इतना सुध भी ना रहेला कि हमारा कुनकरा के देखे खातिर तरसत बा। अब तो बस आप ही के सहारा बा, उन ग्रह के जल्दी हमरा पास भेज दी प्लीज, ना ही तो हम ऐसे ही अंजल के त्याग कई ले रहो। देखनी बाबूजी हमार भगवान कितना दयावान बाड़न, हमार पुकार तुरंत ही सुन लेलन, मंदिर से बाहर अवते ही इनकरा के हमरे पास भेज देलन। हम अभी उनका के धन्यवाद देके आवतानी। बेटा जब से तू आइल बाड़ा तब से ही अपना पति के इंतजार में अन्न त्याग कर देले बाड़ी। काहे? काहे से कि इप्रण कहले बाड़ी कि जब लोकर पति घरे लौट के ना आई ई अन्न ग्रहण ना करी। आज तो हम अपने भगवान से कुछ भी मांगले रहती तो मिल जाए। दामिनी दरअसल हम घरे ही आयल रही लेकिन जैसे हमके पता चलल कि आप लोग मंदिर आए रही तो हम सीधा यहाँ आ गए। चलल चलो बैठो। बाबू जी हाँ दामिनी के लेके घरे चली
हम देखत नहीं लोग के का प्रॉब्लम बा। लेकिन काहे भाऊजी इनका से कहीं हमके हमार ड्यूटी करे देस, जितना कहत नहीं उतने करस। अब बेटी डंपर कोनो एक्सीडेंट कर देला सका सर। तनी साइड हटा देख। सर ये तो जोगिया पठान के सबसे खतरनाक पगड़ी गैंग हवे, जेकरा के आज तक केहू न पकड़ पौलस। लेकिन सर ये अचानक बाहर कहां से आ गेलन सब? अचानक ना किरण, ये सब सांप के बिल में हाथ डल्ला के कमाल है। सांप भले बाद में बाहर आवे, लेकिन बहुत सारा गोंजर बिच्छू जरूर बाहर आ जाने। तिवारी। यस सर। एक निक पिजड़ा में बंद करा, हमके दूसर ड्यूटी पूरा करे जाए के बा। दूसर ड्यूटी? का भाऊजी डरावता नहीं? का उधार उधार इतना दिन बाद हमरे हाथ के खाना खाए, आपकी खातिर तो आपकी फेवरेट सब्जी बनावे के पड़ी। कहा कि हम दारू वरू अब। एसपी साहब, अरे हम रिटायर पुलिस वाला नु हई, तार सब कमजोरी आ ताकत हमरा मालूम बा। हमरा इहो मालूम बा कि ओई दारू के बोतलवा से तोहार रिलेशनशिप कैसन रहेला। सोचनी कि आज हो जाए कंपटीशन। आज आइसन भिंडी बनाए, देखता नहीं हमके छोटी कहाँ जात बा। एक बात हमरा समझ में ना आई। का बाबूजी? आई तो हर सकलवा हमरा बेटा से इतना कैसे मिलेला? अरे बाबूजी, हमे कौन जाने वाला बात बा। अरे ये सब तो ऊपर वाला भगवान के लीला। भगवान के लीला? अरे भगवान के लीला तो भगवान है जानेलन, हमरा कुछ पता नहीं के।
अब तो भी न जानी लेगी। तो हार सकल हमार बेटा से इतना कैसे मिलेला? हमार बेटा बड़ा हिम्मत वाला रहे, मरद रहे मरद। एक दिन हमरा से कहले रहे कि बाबूजी पुलिस वाला के वर्दी कफन समझ के पहरे के चाहिए और उकर वर्दी कफन बन गए। बाबूजी चिंता मत करी बाबूजी, जानता नहीं आपके बेटा बहादुर रहले, बहुत साहसी रहले, लेकिन बाबूजी वो हमरा जैसे जगलर ना रहले। जगलर जगलर आपके बेटा के हर अधूरा सपना के हम पूरा करें बाबूजी, हम पूरा करें। खाना तैयार बा बाबूजी? अरे ठीक बात डेले खाई ले, आज तो नहीं कंपटीशन चलता। कंपटीशन बाबूजी, कंपटीशन तो होत रही, चले खाना खा ले जाओ। खा ले जाई बाकी जाने ना बबुआ। आदमी के भोजन करे के पहले एगो सवाल के जवाब दे देवे के चाहिए। सवाल तो हर सकल इतना हमार बेटा से काहे मिलेला? ए बाबू मत रो, ए बाबू मत, ए बाबू मत रो, मत रो, चुप हो जा तो मैं रोए लगा। मत रो मत रो, हमके माफ कर दी बाबू जी। एक तो साला हमके दारू चढ़ल ना, ऊपर से तली वाली चढ़ल बा, तो सकल सकल करके सब उतार दे तली। चली आप लोग आवता नहीं कि हम बाहर आई का खा ले मेरे का। चली अब हम कर रहे के पिए बेटा गिरी हम माता, बाकी ठीक ना रहेगी खाए से पहले बता देता कि बाबूजी तो हर सकल इतना हमार बेटा से काहे मिलेला। हमके जैसे पता चली सबसे पहले हम आपके बता, लेकिन अभी चली बहुत चली का बात बाबा। ए बेटा अरे एक बार तो बता दे कि तार सकल इतना हमार बाबूजी खाना रेडी बा। चला 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 अल्लाह। अपन व्रत तोड़ला और आज के बाद ऐसा व्रत मत रखिया, ना तो हम जाए तो फिर ना आए। कैसे ना आए? हम अपने काना से कंप्लेन कर दे और वो आपके कान पकड़ के ले आई हैं। हमार व्रत तो टूट गई, आप भी खाएं। और ई रहल आपके पसंदीदा सब्जी भिंडी। का भइल? कुछ ना कुछ ना, बहुत दिन बाद अपन पसंदीदा भिंडी देखनी है ना, खुशी के मारे आंख भर गई। तो ईली और खाई। ईली और पहन ली, ये सब का पहला है हाँ? कहाँ जाता नी? बदले जाता नी और कहाँ? अरे हमरा से कैसे शर्म का कर बाबूजी,
बाबूजी ना आई हैं। वो समझदार बारन। अरे? अब उठा ले। यस सर। वेल डन अर्जुन, तुमने जोगिया पठान के पगड़ी गैंग को पकड़कर काबिले तारीफ काम किया है। थैंक यू सर, इतना हमारा फर्ज है। अब लगता है कि मैंने तुम्हें सलेमपुर भेजकर मेरा राइट डिसीजन था और अब जोगिया पठान का अंत आ गया है। ना सर, सलेमपुर में जोगिया पठान की दहशत बा। सबसे पहले ओकर दहशत खत्म करब, ओकरा बाद जोगिया पठान के। बेस्ट ऑफ लक, मैं हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू सर। अब यस सर। हाँ 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 सर, आई एम कमिंग सर। यस सर, यस। ओ आईजी साहब के फोन रहा, अभी तुरंत बुला ले जाए के पड़ी। हमके मालूम बा आपके खातिर फर्ज इम्पोर्टेंट बा, आप जाए हम इंतजार करो। हाँ। अच्छा इके रखा, बाद में पहन ले। आप लोगों को बताना चाहते हैं, पुलिस रिकॉर्ड में बहुत दिनों से वांटेड पगड़ी गैंग अब हमारी गिरफ्त में है। इतने खतरनाक गैंग को पकड़ने के लिए बधाई हो एसपी साहब आपको। थैंक यू। उन्होंने पुलिस को कुछ बताया, अपना जुर्म कबूल किया? सर बताइए सर। भैया आप लोग तो जानते हैं कि पुलिस अपराधियों के साथ बड़े प्यार से पेश आती है और प्यार की गर्मी से तो पत्थर पिघल जाता है। उन लोगों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और अपने आका अपने मालिक के खिलाफ सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन वो लोग हैं कौन? हाँ सर, कौन है? कल तक इंतजार कीजिए, कल का दिन उनके मालिक के बाहर की दुनिया का आखिरी दिन होगा। पता था मालिक, हमके बचाए खातिर रउआ जरूर आई।
भले ही हम तोहन लोगों की वजह से बर्बाद हो जाए। ये क्या कहता नहीं मालिक? चिंता मत कर अभिमा, हम तोहन लोग के आजादी देवे खातिर आइल बनी। इस केस से नहीं, ये है दुनिया से। लेकिन हम सबसे गलती का हो गेल मालिक। हमरे खिलाफ सरकारी गवाह बन के हमार कब्र खोदले के इंतजाम करत बड़े। नहीं मालिक, ऐसा कुछ ना कहीं नहीं। आपके कोनो गलत फहमी बा मालिक, हम सब आपके वफादार हैं मालिक। आपके खातिर जान दे सकनी मालिक तो दे दे, दे दे जान। हमके सब पता चल चुकल बा बीमा, सब पता चल चुकल बा। नहीं मालिक, मालिक भवर। जी भैया। नहीं मालिक, मालिक नहीं मालिक, खुदा के वास्ते मालिक, मालिक नहीं, नहीं मालिक, मालिक नहीं, नहीं मालिक, बस अब आपका टेंशन खत्म जो गया जी। तू सब हमार बहुत सेवा कैले बड़े असलम, तोहन लोग के परिवार की जिम्मेदारी हम पूरी जिंदगी निभाई। हम समझ ले नहीं। पगड़ी गैंग हमरे खिलाफ सरकारी गवाह बने जात रहे, खत्म। अब कौन गवाह नहीं। सर, इतना बड़ा नरसंहार हो गया, पगड़ी गैंग वालों के लोगों के साथ कुछ पुलिस वालों को भी दिन दहाड़े मार दिया गया, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जिसने भी ये किया है उसको लगता है कि गवाहों को खत्म करके वो बच जाएगा, लेकिन शायद उसको ये नहीं पता कि ऐसा करके उसने एक और गुनाह कर दिया है और वो बचेगा नहीं। आप लोग एकदम निश्चिंत रहें, पुलिस अपना काम कर रही है, चिंता करने की बात नहीं। किरण जी सर, एम्बुलेंस मंगा। जी जी सर, पुलिस क्या करेंगे सर? सर पुलिस का अगला कदम क्या होगा सर? पुलिस का भी चल नहीं सर, जाइए आप लोग। Oh,
भाई लस्वी, आपन गम मिटावे आइल रहला है का? अपने हार के गम। अपना हार के गम ना, तोरा हार के जश्न मनावे आइल बानी। तू जो हम बता नहीं लागत बा, आज के घटना के असर तोरे दिमाग पे हो गई बा। हाँ बेचारा एसपी हमरे खिलाफ गवाहन के कोर्ट में पेश करे जात रहे ना, मिल गई गवाह, मिल गई। याद रहे एसपी, यहाँ पूरे सलेमपुर में जोन हम चाहब वह होई ना, वह होत रहे, अब यहाँ वो होई जवन हम चाहब। तोहरा के का लगता, पगड़ी गैंग के मार के तू जीत गई ला? ना 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 ना, ई तोहार जीत ना, ई तोहार हार है। अरे वो बेचारा पगड़ी गैंग वाला कौनो सरकारी गवाह ना रहले, वो तो तोहार वफादार रहले। हम जान बूझ के इंस्पेक्टर असलम के ओकनी के साथ भेजले रही, काहे कि हमरा पता रहे कि इंस्पेक्टर असलम के साथ साथ कुछ पुलिस वाला लोग कानून के ना तोहार वफादारी कर रहल मन। एक तीर दो शिकार, तोहार ताकत भी कम हो गई और पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ कचरा भी साफ हो गई, जेल के खाना भी बच गई और सरकारी गोली भी बच गई। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब तोहार उल्टा गिनती शुरू। हम तो के जिंदा ना छोड़ब, ना ही छोड़ब जिंदा। हम चाहें एसपी का कालर पकड़ के धमकी देला के जुर्म में तोरा के गिरफ्तार कर सकीले, लेकिन ना हम उगलती ना करब जौन डीएसपी अभिमन्यु कैले रहे, काहे कि हम कमीना लोग खातिर महाकमीना है। तोरा खातिर तो हम कुछ अलग सजा सोच ले बानी, काहे कि हम जगलर हैं। जगलर आजान बेटी, ये कहाँ जा रहल बाड़ो? अरे बाबूजी, आप भूल गई नी, आज तीज है। लेकिन आप का ही इतना सीरियस बानी? समझ गई नी, उनकर याद आवता अपन फोन दी, हम उनकर फोन लगावता नी। डिस्कनेक्ट आवता, एक काम करता नहीं, ऑफिस में फोन लगा होता नहीं।
हेलो हेलो साहब के फोन दी कौन साहब अरे साहब के नहीं कुजानत हम दामिनी बोलतानी कौन दामिनी हाँ दामिनी आप समझ लो डीएसपी साहब से बात कराओ अच्छा अच्छा डीएसपी साहब तो एक मीटिंग में बिजी बाड़न अच्छा ठीक है उनसे कह दिया कि आज तीज है घरे जल्दी आ जाई है और हाँ उनसे कह दिया और कोनो बहाना ना चली ओके ठीक बा बाबूजी आप देखो वो जरूर आई हैं इली हम जाता नहीं सर ई दामनी किकरा खातिर फोन कैले रहे जयन सर जयन बैठा हमरे खातिर हाँ किरण ओ डीएसपी अभिमन्यु के औरत है जकर जोगिया पठान हत्या कर दिल रहे वैसे वो कहत कर रही है कहत रही हा आप घर जल्दी आ जाइए आज तीज है सुहागन के पूजा हा हमरा के मालूम बा एही से हम यहाँ आयल बानी अपने अभिमन्यु जी की लंबी उम्र खातिर पूजा करे कौने अभिमन्यु खातिर जो एक साल पहले मर गए वो एक खबरदार खबरदार जो हमरे अभिमन्यु के बारे में कुछ भी अनाप शनाप माफ कर दी अरे बाबली है शास्त्री ये विधवा ही ये हमने के पूजा नष्ट कर ले बिया एकरा के माफ कर दी एकर गलती ना अरे रउआ लोग तो समझदार बनी एकरा के छोड़ दी एकरा के छोड़ दी एकर गलती ना हमारा भी मरी आवत था प्लीज हमें रुको के कहा था ये विधवाई ये विधवा ना सुहागन है
देखा लोग हमके इनकर पति तू लोग के सामने माने मनियों के एक साल पहले तू हमरा से छीन ले लूं उनके नाम के सिंदूर हम आज ले लगावत रहनी हम तो तोरा की जिंदगी भर पूजनी काहे तोरा दिल इतना पत्थर के हो गई हमसे कौनो बात के बदला ले लूं का तोरे पूजा के इहे भला पत्थर के मंदिर मुझे
आप सबके मालूम बा हम सलेमपुर के लोगन की सेवा खातिर हमेशा तैयार रहनी। आज विधवा बहन लोगों को देखकर हमार दिल रोएला। भगवान केहू के विधवा भइले के इतनी बड़ी सजा ना दे। आज आपके आशीर्वाद से हमरे तरफ से आप लोगों के खातिर एक छोटा सा भेंट हो, इकरा के स्वीकार करिए। धन्यवाद मालिक। उषा जी, विमला जी, प्रमिला जी, सुखी रहा, कंचन जी, धन्यवाद, सरोजनी देवी, प्रणाम। आज के विधवा साड़ी वितरण समारोह संपन्न भइल। बहुत बहुत धन्यवाद आप विधवा बहनों का। रुकी लोग, समारोह अभी खत्म नहीं की भइल। काहे के माननीय जोगिया पठान जी विधवा समारोह में हमार नाम लेवे के भूल गइल बानी। हम हैं दामिनी, डीएसपी अभिमन्यु के मेहरारू जोगिया पठान। जोगिया पठान पे गोली चलाई, पगली को ले जाओ, ले जाओ, जल्दी ले जाओ। और अभी याद कर ले अपने भगवान के, कहे कि आज तो इज्जत भी जाए और जाए। ई तो हंसा जहा हमार मालिक जोगिया पठान के ऊपर गोली चलावे के। छोड़ दे हमरा के, तू लोग पठान चला हुई। अच्छा, दिया ही तोहरे मदद खाते भगवान। अरे कलजुग है दामिनी, कलजुग में भगवान के भी पीछे आवे में डर लागेगा। अरे लंगड़ा कर, खोल दे साड़ी। मत का तुहरा भावना के एहसास रहे हमके, लेकिन हमरे दिल में तुहरा प्रति सिर्फ दोस्ती की भावना रहे। तुहरा के कब और कोनो नजर से ना देखनी हम। हम आपके दोष नहीं की देता नहीं, हमरा खातिर एक सौभाग्य की बात बा कि हम आपके हमें दम तोड़ता नहीं। देखा किरण, हम हमेशा तोरा के अपना कुंडली के नागिन दोष कहत रहन, और तू हमरा जान के रक्षक बन के अपना जान के बाजी लगा दे लू। बस एक बात की शिकायत बात तोरा से, हम चाहत रहे कि सलेमपुर की आजादी की लड़ाई में
तू आखिरी तक साथ दे हमारा। नैसवी साहब, हमके अपना जगलर पर पूरा भरोसा बा, सलेमपुर जरूर आजाद हुई। तिवारी संभाल, हम तुहार भरोसा जरूर पूरा करब। दामिनी कहाँ कहाँ न खोजती, पता न कौन हाल में बाड़ू, कैसन बाड़ू। बेटा आपन दुख कैसे बताई तोहरा के, तू तो दुनिया से चल गई ला, लेकिन तोहरा के का मालूम या तोहरे दामिनी के संभारल कितना मुश्किल बा। तोरे याद में हमरे आंख से आंसू निकले ला, लेकिन लेकिन दामिनी के हालत देख के हम अपना आंसू पी जाए ले। यहां तक कि आज ले यह वजह से तोहरा फोटो पर माला तक ना चढ़ा पाऊंगी। हमरा के माफ कर दिया बेटा हमरा। दामिनी जी, आप कानून के अपने हाथ में लेके ठीक ना करनी है। तो का करती, वो हमरे पति के कातिल हो, हमरे सामने हमरे पति के। कानून पे भरोसा रखे, कानून उकरा के सजा दे। कौन है कानून पर, जेकर रक्षा करत करत हमार पति शहीद हो गई ले, वो कानून उनका रक्षा कई ले तो दूर, आज ले उनके मुजरिम के पकड़ तक नहीं पावलस। ना ही डीएसपी साहब, अब हमरा के कानून पर भरोसा नहीं के। वैसे भी जुगिया पठान की गुलामी से सलेमपुर के आजाद करावल ही हमारा मकसद है। सिर्फ एक गवाह मिल जाए उकरे खिलाफ, फिर देखा। अगर ऐसा बात बा तो गवाही हम देव, आप हमरे पति के केस री ओपन करी, हम तैयार बानी। बड़ा खुश लगा दानी सर, कोनो खास बात? हाँ खास बात तबा, अभिमन्यु मर्डर केस के फाइल ओपन करा। का? हाँ अभिमन्यु के मर्डर के चश्मदीद गवाह मिल गेल बा। चश्मदीद गवाह के? हाउ? अभिमन्यु के पत्नी दामिनी। दामिनी? हाँ उनके तो कुछ यादें नहीं थे बा, लेकिन अब सब कुछ याद आ गेल बा। और अब हमरा हाथ से जोगिया पठान के केहू ना बचा पाई। मलिक, हम रामलाल बोलतानी, एसपी अर्जुन दामिनी के लेके कोर्ट जा रहा बा आपके खिलाफ गवाही देवे खातिर, और अगर कहीं वो कोर्ट पहुंच गए तो। शायद अभिमन्यु के मेहरारू को जिंदा छोड़ल हमार बहुत बड़ी गलती रहे। कोनो बात नहीं, यह तीज की रात ओकरे जिंदगी की आखिरी रात हुई, आखिरी। एक एक कोना छान मारा, वो पगली बचने न पाए। जाओ जाओ ढूंढो, एक एक कोना छान मारा, एक एक कोना, जाओ। यहाँ तो केहू नहीं के भैया। हाँ मालिक, ना दामनी ना ओके ससुर शास्त्री। मालिक केहू नहीं के, इधरो केहू नहीं के मालिक। आखिर वो लोग गई कहाँ? और रामलाल जी? सर घर में सब ठीक बा? हाँ सब ठीक बा सर। हाँ घर परिवार के ध्यान रखे के चाहिए जी। ये सब कहा बेटा? आई भाजी,
बैठी बताओ तनी आई जाओ तुम लोग। यस सर। यस सर। चलो हमरा के माफ करी बाबूजी, लेकिन आप दोनों जन की सुरक्षा खातिर ये जरूरी रहे। अब बाकी हम कुछ समझ नहीं ना बाबूजी। दामिनी जोगिया के खिलाफ गवाही देवे जा रहा बड़ी, और ये बात जोगिया तक पहुंच गई लोई। अर्जुन दुश्मन से डराला ना बाबूजी, लेकिन दुश्मन की कम भी ना समझेला। बस आज के रात यहां रुक जाए लो, कल गवाही के बाद एकर जरूरत ना पड़ी। ठीक बा, थैंक यू बाबूजी। रामलाल, रामलाल दामिनी सुरक्षित तरह अदालत पहुंचे के चाहिए। जी साहब। तो चिंता मत करिया, हमने के तोरा साथ बन जा। जी। हमारे कोनो गलती नहीं किया भैया, हमरा सामने ही गाड़ी में बैठा रहा दामिनी। प्लान हमार, जगह हमार, और शिकार गैब ई दामिनी का पुतला का आसमान से आ गई। तो बता, कहीं रास्ते में गाड़ी रुकल रही का? हाँ भैया, एक जगह रुक रहा गाड़ी, सड़क पे एगो पागल। ए, अरे हटना, दिक्कत नहीं है क्या रे? साइड हटा, अरे साइड हट पागल। जोगिया पठान कबो अपने साथे ना धोखा बर्दाश्त ना कर सकेला। अर्जुन! जय सर। जय हिंद। हाँ अर्जुन बोलो, सब तो ठीक है ना वहाँ? एक ब्रेकिंग न्यूज बा सर। क्या न्यूज है? डीएसपी अभिमन्यु के मर्डर के चश्मदीद गवाह दामिनी के यादाश्त वापस आ गेल बा सर, और जोगिया पठान के खिलाफ गवाही देवे जा रहल बड़ी। अब जोगिया पठान के केहू ना बचा सकेला सर। वाह अर्जुन, हमें तुम पे गर्व है। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद। जय हिंद।
साइलेंस साइलेंस, जज साहब आ रहे हैं। मिलॉर्ड, अपनी आंखों के सामने अपने पति की भयानक मौत देख करके दामिनी जी को ऐसा शौक लगा कि इनकी याददाश्त चली गई। ये रही इनकी मेडिकल रिपोर्ट मिलॉर्ड। अब इन्हें सब कुछ याद आ गया है योर ऑर्डर। ये अपना बयान देना चाहती हैं। आप अपना बयान दे सकती हैं दामिनी जी। जज साहब, वो करवा चौथ वाली रात थी, मैं और मेरे पति डीएसपी अभिमन्यु अपने कमरे में थे और अचानक सजाए मौत। यह अदालत अभिमन्यु मर्डर केस में जोगिया पठान को गिरफ्तार कर उस पर मुकदमा चलाने का आदेश देती है और साथ में पुलिस को हिदायत देती है कि वो दामिनी जी की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करे। जय हिंद सर। सेटअप, तुम जैसे गद्दारों की वजह से जोगिया पठान जैसे लोग अपने हिंदुस्तान में मिनी पाकिस्तान बनाने का सपना देख रहे हैं। लेकिन सर, खाकी के नाम पर कलंक हो तुम, इसे पहनने का कोई हक नहीं। अरे सिम, अर्जुन, जिंदगी में पहला बार हमरा के हर कदम पे मात मिलेला मात। अब चूहा बिल्ली का खेल खत्म हुई, अब आर पार की लड़ाई हुई। अब डीएसपी अभिमन्यु के बाद एसपी अर्जुन की भी अंतिम विदाई जोगिया पठान के हाथ से हुई। आज के मिशन बहुत महत्वपूर्ण बा, आप सबके पता बा, सलेमपुर में जोगिया पठान के का हैसियत बा। आज तू लोगन के और सलीमपुर के मालिक जोगिया पठान के इज्जत और साम्राज्य के सवाल बा। ये एसपी अर्जुन जगलर बा, जगलर। जैसे सुभाष चंद्र बोस के फौज हिंदुस्तान की आजादी की खातिर अपने जान के परवाह ना कैलस, वैसे ही सलीमपुर की आजादी की खातिर जान हथेली पे लेके मिशन के पूरा करे के बाद आज जोगिया पठान को गिरफ्तार करे आवे वाला एक एक पुलिस के चुन चुन के मारे के पड़ी, भले ही उनके शरीर के खून से खाकी का रंग लाल हो जाए। जय हिंद, जय हिंद। जोगिया पठान की जीत हो, जीत हो। जोगिया पठान की जीत हो, जीत हो। पाउंड, जल्दी पोजीशन। अंदर ही बा।
जगिया। जोगिया शेर है एसपी, शेर और शेर अपन शिकार अपने पंजा से ही करेला। हथियार की जरूरत तोहरे जैसे कमजोर लोगन के ही पड़ेला। बहुत गलत फहमी बा जोगिया पठान। आज तक हथियार और गुंडन के दम पे जोगिया नाम के गीदड़ शेर बन के घूमत रहे, लेकिन आज दुनिया के पता चली और तोरा के भी कि के शेर बा और के किधर। नाजायज बाप लोग के पिछवाड़ा भी भाग जाए। भाग जोगिया पठान, भाग सकेले तो भाग। रहे नेताजी के, हो रहे नेताजी के ही है अरमान। हमर दसवां बस परान दे, हमर दसवां बस ना।
हमार तोरा से कोनो दुश्मनी नहीं के वो डीएसपी अभी तो आज कुछ ना लागेला। छोड़ दे हमरा के, छोड़ दे अर्जुन। नहीं अर्जुन, अर्जुन वो अभिमन्यु हमार सगा वाला ना रहे लेकिन वो दामिनी के पति रहे। तोरा से हमार कौन पर्सनल दुश्मनी नहीं के लेकिन सलेमपुर के लोगन के गुलाम बना के सबके अपन दुश्मन बना ले बड़े। अब सलेमपुर के लोग तो खून लेके तो के दुनिया से आजाद करिए। दामिनी नहीं नहीं दामिनी खत्म कर दे राक्षस के। हमका माफ कर दी। नहीं दामिनी नहीं, ले लो अपने पति डीएसपी अभिमन्यु के मौत के बदला। नहीं दामिनी हमके माफ कर दी, माफ कर दी, हमके माफ कर दी दामिनी। नहीं दामिनी, दामिनी नहीं, नहीं हमके माफ कर दे दामिनी। पीछे मुड़। दामिनी नहीं, नहीं एक